हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल बटाटा वड़ा की रेसिपी। इसके साथ मैं चटनी और रायते की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने 6-7 बॉइल्ड पोटैटो ले लिए हैं और इनको मैं ग्रेट कर लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाला है, इसमें चॉप जिंजर, 1 ग्रीन चिली चॉप्ड डालेंगे और इन्हें सौते करेंगे। अब इसमें चॉप काजू किशमिश डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कोरिएंडर को क्रश कर लिया था, कोरिएंडर सीड को वो डाल रही हूँ। अब इसमें 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और जो मैंने पोटैटो ग्रेट किए थे वो डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने थोड़े से पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स को क्रश कर लिया था मिक्सर में, वो ऐड किए हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच खटाई और 1 चम्मच सेंधा नमक, व्रत का जो नमक होता है, वो डाल रही हूँ। आप यदि लाल मिर्च नहीं खाते तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। अब मैं इसमें 1/2 लेमन जूस निचोड़ रही हूँ, इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी सी करी लीव्स डालेंगे या धनिया डालेंगे, आप जो भी खाते हैं आप डाल सकते हैं व्रत में, जो भी आप खाते खाना पसंद करते हैं। अब मैंने 6 स्पून कूटू का आटा लिया है, आप राजगिरी का आटा या सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं। सिंगाड़े के आटे से कलर बहुत सुंदर आता है। और इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे कि लम्ब्स ना बने और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब हम जो हमारे आलू थे इनसे पेड़े बॉल्स बनाएंगे। सारी बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे हम इसी तरह से। हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देंगे और चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर लिया है, इसमें 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी मूंगफली, सॉल्ट, खटाई आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और 1/2 कप दही और 2-3 आइस क्यूब डाल रही हूँ। इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अब हम बटाटा वड़े को फ्राई करेंगे। इसको बैटर में डिप करेंगे बॉल्स को अपनी, और मैं इसको रोस्टेड मखाने से मखाना पाउडर बनाया था मैंने, उससे कोट करके इन्हें फ्राई कर रही हूँ। मखाने से कोट करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रिस्पी बनते हैं एकदम। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे और पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे। अब हम रायता बनाएंगे। इसके लिए मैंने कर्ड में ग्रेटेड खीरा मिलाया है और थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया है। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी लिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च डाली है और इसे कर्ड में ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे, ऊपर से रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। यदि आप रेड चिली नहीं खाते तो काली मिर्च डाल सकते हैं। अब हम बटाटा वड़े को चटनी और रायता के साथ सर्व करेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।